दोस्तों, देश में कई दिनों से चल रहे कड़े विरोध के बीच बुधवार को पठान फिल्म रिलीज हो गई। फिल्म के गाने को लेकर उठे बवाल के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। कई हिंदू संगठनों ने फिल्म को बैन कराने की मांग की थी, तो कई राज्यों में फिल्म रिलीज न करने की भी बात कही थी, लेकिन इतने विरोध के बाद भी फिल्म रिलीज हो गई। इस पर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली डॉक्टर साध्वी प्राची ने शाहरुख खान को लेकर एक और ट्वीट कर डाला, जिस पर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीयत हो रही है। दोस्तों, डॉक्टर साध्वी प्राची ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हैशटैग शाहरुख खान गद्दार है। इस पर उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया, उस पर लिखा था, परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक विलन हो और हीरो पाकिस्तान की कुख्यात ISI की मदद ले, ऐसी फिल्म रिलीज कैसे हुई। दोस्तों, डॉक्टर साध्वी प्राची को ये ट्वीट करना भारी पड़ गया और उनकी सोशल मीडिया पर जनता ने जमकर धुनाई कर डाली। इसी पर कॉमेडियन यूट्यूबर भगत राम लिखते हैं, फिर सुबह की दवाई लेना भूल गई आप, और ये फिर से मोबाइल क्यों उठा लिया, डॉक्टर ने मना किया था ना, प्लीज ऐसा मत करो बुआ जी। इसी पर एक और यूजर लिखते हैं, सुप्रभात, क्यों टाइम बर्बाद कर रही हैं, इतना टाइम ध्यान करने में लगाई होती तो मोक्ष मिल गया होता, फिलहाल ये वीडियो देखो। देख लिया आपने, जबरदस्ती दिखाया गया, देखे नहीं है। क्यों जबरदस्ती, क्यों? हम सोचे थे कि कल विरोध हुआ था तो आज विरोध होगा, तो आगे विरोध करने के लिए, मगर कोई विरोधी जन दिखा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई नहीं दिखा, कोई दिखा नहीं, हम आए थे विरोध करने के लिए, कोई दिखा नहीं विरोध करने, तो खड़ा हो गया। ये सोशल मीडिया पे जो बड़ी बड़ी चोरी, नहीं 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 नहीं, ये विरोध हो रहा था, कल भी हम यहाँ पे विरोध किए थे, पोस्टर हम फाड़े थे आके यहाँ पे। आप विरोध भी किए और मूवी भी देख लिया आपने? कहानी तो पूरा सुनिएगा तब ना सर, कल आए विरोध किए, पोस्टर फाड़े, अच्छा लगा, पैसों मिला, हम सोचे आज भी करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, मगर कोई विरोध करने आया नहीं, तो हमको दिखा दिए गो, कह रहे अरे अरे क्या कर रहे हो, हम बोले भैया आए विरोध करे, बोला विरोध मत करो, मेरे पास एक टिकट बच रहा है, पीछे का सीट है, देखेगा, हम बोले दिखा दीजिए भैया फ्री में, ठीक है देख लेते हैं, तो गए थे विरोध करने के लिए, गाली उली भी दिए कि अच्छा मूवी नहीं है हाफ तक, मगर सेकंड हाफ के बाद अच्छा मूवी लगा, फर्स्ट हाफ भी अच्छा था, मगर फर्स्ट हाफ एक था कि विरोध करने आए थे ना, तो खराब लग रहा था, मगर सेकंड हाफ में अच्छा लगा, और लास्ट में जो जय हिंद बोला ना भैया, तो पूरा गूज़बम्प्स हो गया, पूरा रोंगटा खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, तो पहली बार भैया हम देख लिए विरोध में, मगर एक बार और देखेंगे समर्थन में, एक बार और देखिए समर्थन में, अब देखेंगे विरोध में, देखे ना भैया, तो कहना मजा नहीं आ रहा था, अच्छा। विरोध वो तो मन में बैठा रहता है ना, हाँ। इसलिए एक बार और देखेंगे, सपोर्ट में देखेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ मूवी कितना अच्छा। दोस्तों, इसी पर एक और यूजर लिखते हैं, धर्म के कार्ड फ्लॉप रहा, अब सेना का नाम ले रही है, बाकी आपने फिल्म को प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी पर एक और यूजर लिखते हैं, तो इसका मतलब प्राची ताई आपने छुपके पठान देख ही ली, वैसे धर्म का कार्ड नहीं चला तो फिल्म को सेना के नाम पर बदनाम कर रही हो। वहीं एक और यूजर फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं, काफी तकलीफ में है बेचारी।